दोस्तों फ्री फायर को जैसे ही आप लॉगिन करते होंगे लॉगिन नहीं हो रहा है क्योंकि आपके फ़ोन में प्राइवेट डीएनएस ऑप्शन नहीं शो हो रहा है सेटिंग के अंदर। जैसे कि आपको चेक करना है तो आप सिंपल से सेटिंग पे क्लिक करेंगे या सर्च बार में डालेंगे प्राइवेट डीएनएस। जैसे कि मैं डाल देता हूँ PRI इस तरीके से प्राइवेट DNS, ये आप देख सकते हैं ऊपर आ चुका है हमारा, यह शो हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने अभी ऑफ कर रखा है, ऑटो कर देंगे इस तरीके से और मेरा ये स्टार्ट हो जाएगा DNS। नहीं तो यहाँ पे आप इस तरीके से मॉडिफाई भी इसे कर सकते हैं इस तरीके से गूगल से, ठीक है। अगर दोस्तों आपके में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपका बिल्कुल फ्री फायर नहीं चलेगा, लॉगिन नहीं हो रहा होगा। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप आसान तरीके से अपने फ्री फायर को लॉगिन करेंगे और प्राइवेट डीएनएस ऑप्शन को आप अनेबल करेंगे, 100% में गारंटी देता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को अभी से आपको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा। जिसके भी ऑप्शन है उन्हें क्या करना होगा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, उन्हें एक लिंक को कॉपी करना है। जैसे कि मैं अभी वो लिंक दे दूंगा मैं आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेक्स्ट दिया है, ठीक है। उस टेक्स्ट को आप कॉपी करेंगे वहाँ से, यानी कि लिंक टाइप होगा उसे कॉपी करेंगे। उसके बाद सेटिंग में आप जाएंगे और यहाँ पे लिखाएंगे प्राइवेट डीएनएस, ठीक है। अगर आपके फ़ोन में वो नहीं है फिर आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले ये कर लेता हूँ प्राइवेट डीएनएस, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर हम मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये देखो इस तरीके से लिखा हुआ है। इसे हम यहाँ से हटाएंगे और इस तरीके से एक लिंक मैंने आपको दी है, ठीक है। लिंक तरीके से होगी लेकिन यहाँ पे मैं इस तरीके से आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के, और ये आपको यहाँ पे डालनी है और इसे डन कर देना है, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से आपको बताया है, इस तरीके से आपको करना है। फिर यहाँ से आप बिल्कुल बैक जाएंगे, फिर आपके फ़ोन में यदि ये नहीं है तो आपको सिंपल से अपने प्ले स्टोर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लिखना है ट्रस्टेड DNA, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके प्ले स्टोर से ही आपको डाउनलोड करना है, ये ध्यान रखना है। कोई अदर करेंगे तो बिल्कुल भी आपका वर्क नहीं करेगा और आपका डाटा हैक होने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। और बेसिकली मैंने जो आपको तरीका बताया है पहले, यानी कि आप अपनी सेटिंग से करेंगे तो वो सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप किसी एप्लीकेशन से करेंगे तो उसमें ज़्यादा खतरा रहता है, ठीक है। तो आपको सिंपल से VGMI वगैरह खेल लेना है, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन को आपको कैसे यूज़ करना है उसके लिए आपको यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपल से यहाँ आप देख सकते हैं चेंज DNS पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे राइट हैंड साइड बॉटम पर, ठीक है। या नेम में आप कुछ भी डाल सकते हैं, अपने नेम भी डाल दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फ्री फायर, आप कुछ भी डाल सकते हैं XYZ, मैंने फ्री फायर डाल दिया। अब यहाँ पे इस तरीके से ये देखो आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखना है DNS., ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे और यहाँ गूगल लिख देंगे गूगल, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं, नहीं तो मैंने जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है वो यहाँ से आप पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ कर दिया है उसके बाद यहाँ इस तरीके से ऐड करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक्टिवेट कर देंगे आप, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा, ये आप देख सकते हैं अभी ये एक्टिवेट नहीं हो पा रही है क्योंकि हमारा जो नेट है वो नहीं है, ठीक है, थोड़ा नेट स्लो है। तो इसे मैं फिर इससे यहाँ हटा देता हूँ, अगर आपका ये काम नहीं करे तो आप हटा देंगे, नहीं तो आप इस तरीके से डालेंगे DNS.Google, ठीक है। यहाँ जैसे मैं डाल रहा हूँ इस तरीके से, यहाँ पर एक चीज़ मेरी गलत हो गई, थोड़ा मैं फिर से करता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ फ्री फायर। यहाँ पे जो DNS जो डालेंगे बिल्कुल स्मॉल में छोटे में डालना है, ठीक है, डॉट डालेंगे, ठीक है, इस तरीके से छोटे में डालूँगा DNS, उसके बाद डालूँगा मैं गूगल, ठीक है। और यहाँ पे आपको से ऐड कर देनी, ठीक है, एक्टिवेट यहाँ से फिर भी नहीं हो रही है, मैं फिर से ट्राई करता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं एक बार यहाँ स्पेस देता हूँ, फिर से मैं यहाँ देता हूँ, फिर मैं सेव पर क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ एक्टिवेट कर रहा हूँ लेकिन ये एक्टिवेट हो ही नहीं रही है, ठीक है, लेकिन कुछ कह रहे हैं हो रही है। तो यहाँ पे आपको उसी तरीके से करना है, ठीक है। ये एप्लीकेशन वर्क ना करे तो आपको ये दूसरी एप्लीकेशन में आपको दिखाऊंगा, यहाँ से इस एप्लीकेशन को देखना है DNS चेंजर, ठीक है। जैसे कि एक्सपेक्ट करूँगा मैं यहाँ पर, एग्री टू ऑल करूँगा, कंटिन्यूस फ्री, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं स्टार्ट है, इस पर क्लिक करेंगे, गो इट करेंगे तो ये देख सकते हैं, इसे आप अलाउ करेंगे, ये आप देखेंगे अभी कनेक्टिंग हो रही है, ये कनेक्ट हो जाएगा नेटवर्क, ठीक है। जैसे कि मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ यहाँ पे, इस तरीके से ये देख सकते हैं, ये देखो कनेक्टेड हो चुका है, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन कौन सी थी जो मैंने कनेक्ट की है वो आप यहाँ से प्ले स्टोर में डालेंगे, जैसे मैं डाल देता हूँ
यहाँ पे ये दूसरे नंबर की एप्लीकेशन है DNS चेंजर मोबाइल डाटा वाईफाई। वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक दिए, उससे सीधा आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और इसी तरीके से आप यूज़ कीजिए। मैंने जो आपको बताया उसी तरीके से करेंगे तो वो बेस्ट तरीका है। यहाँ से आपकी जो ID है वो ब्लॉक हो सकती है। अगर आप यहाँ से करेंगे जो मैंने तरीका आपको बताया है तो अच्छा रहेगा, ठीक है। बेसिकली मैं ये फालतू की चीज़ें यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इन्हें हटा भी देता हूँ और मैं इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। परमिशन भैया, आपकी जो प्राइवेसी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों आपको क्या करना है आप अपने हिसाब से सोच लीजिए। मैं नहीं ये यूज़ करता हूँ VPN वगैरह में, तो अगर चल रहा है तो खेलता हूँ, नहीं चल रहा है तो मैं BGMI खेल लेता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में लेता हूँ विदा। जय हिंद।